शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब वाकई होने वाली वाकई हो जाएगी उसके वाकई होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने किसी को बुलंद करने वाली जब जमीन भूचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग तीन किस्म के हो जाओगे तो दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं। और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही अल्लाह के मुकर्रब हैं। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से। लाल और याकूत वगैरह से जड़ाव तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे, यानी आप खोरे और आफताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर। उससे न तो सर में दर्द होगा और न उनकी अकलें जायल होंगी, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हों और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती। ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। वहां न वो बेहूदा बात सुनेंगे और न गाली गलोच। हां उनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले क्या कहने हैं दाहिने हाथ वालों के, वो बेकांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते पानी के चश्मों और बहुत से मेवों के बागों में होंगे जो न कभी खत्म हो और न उन पर कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कुंवारी बनाया और शौहरों की प्यारी और हम उम्र, यानी दाहिने हाथ वालों के लिए। ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे, यानी दोजख की लपट और खौलते हुए पानी में और सिया धुएं के साए में जो न ठंडा होगा और न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा, और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे। फिर तुम्हें झुटलाने वाले गुमराह हो थूहर के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से पेट भरोगे, फिर उस पर खोलता हुआ पानी पियोगे, फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये उनकी ज़ियाफ़त होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते। देखो तो कि जिस नुतफे को तुम डालते हो क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं। हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं। भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं। अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए बल्कि हम बेनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं। अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते। भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं। हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है, तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है, क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो और अपना वजीफा यह बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो
تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ بات واقعی یقینی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔